साथ में देखनी है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन पाइप जो है उधर किंक हुआ था, ये किंक हुआ था, मैंने ऑक्सीजन पाइप को जो है उसको स्ट्रेट किया। अब मैं लीकेज दे रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कहीं लीकेज तो नहीं है। यहाँ पे लीकेज है जहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है, येस यू कैन सी दैट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीकेज है। तो आपने इस लीकेज को ख़त्म करना है। इससे पहले अगर आप देखें तो इसकी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी, इसकी सिचुएशन बहुत कम थी, पेशेंट की सिचुएशन कम थी, बिकॉज देर वॉज अ लीकेज एंड वी वर लुकिंग फॉर द लीकेज, के लीकेज कहाँ पे हो, लीकेज कहाँ पे है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें यह है कि आप पेशेंट को बाई पेप लगाएंगे तो पेशेंट जो है वो वर्सन होगा, क्योंकि उसकी सिचुएशन जो है वो ड्रॉप होती है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने ये करना है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 70% सिचुएशन थी, तो मैंने क्या किया, लीकेज चेक कर दी। तो हमें जो है लीकेज मिल गई, कहाँ पे, एक तो किंक था जहाँ पे ऑक्सीजन पाइप अटैच थी, तो मैंने उसको स्ट्रेट किया, वो जो किंक पॉइंट था। दूसरा मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई पेप जो है वो डिटेल में ज़रा आ रहा है, ये जो आप देख सकते हो 12 है, ई पेप 7 है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने वो लीकेज जो है वो मैंने क्या किया, उस पे मैंने जो है वो स्टिकिंग लगा दिया। आप देख सकते हैं स्टिकिंग लगाने के बाद जो है इसकी सिचुएशन कितनी हो गई, 88%। द मेन थिंग इन द सी पेप एंड बाई पेप इज द लीकेज। एक दफ़ा आपको पता चल गया कि लीकेज मैंने बंद करनी है, क्योंकि पीप आपका तब बढ़ेगा पॉजिटिव प्रेशर जब आपका लीकेज ना हो। ये मैं अब फिक्स कर रहा हूँ, जो इसके स्ट्रिप्स है, हेड स्ट्रिप्स, तो आपने वो इस तरह सर पे रखने हैं, जो उसके क्लिप्स है वो मास्क में और उसके साथ आपने अटैच करने, इंटीरियरली और सुपीरियरली और इन्फीरियरली, ताकि मास्क जो है वो उसकी प्रॉपर सेटिंग हो। बाई पेप और सी पेप किस तरह काम करता है, ऑक्सीजन किस तरह बढ़ाती है, उसमें मेरे वीडियोज़ हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिए हुए हैं कि हाउ डज द सी पेप एंड द बाई पेप वर्क्स, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, हाउ डज इट इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन एंड हाउ डज इट इम्प्रूव हेल्प्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट। अब जो सी पेप और बाई पेप में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, ये देख सकते हैं आप, ये मैं जो है वो फिक्स कर रहा हूँ, मास्क जो है आपने प्रॉपर फिक्स करना है, ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि बंदे को इन जगहों पे नेक्रोसिस हो जाए, ना बहुत ज़्यादा लूज हो कि उसमें लीकेज हो। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द बेसिक थिंग, चेस्ट रेडियोलॉजी, एफ सी पी एस पार्ट फर्स्ट वीडियोज़, रियल केस सिनेरियोज़ वीडियोज़ इन वार्ड एंड।